हाय, गुड इवनिंग। आज मैं फिर कल की तरह आज भी मैं शाम में अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और कहना ये है कि आप लोग सब कैसे हैं इस पेंडेमिक के समय में। आप सबों को अच्छा रहना चाहिए, मैं भी अच्छी हूँ, मेरे पूरे परिवार अच्छे हैं। आजकल मैं शाम में इसलिए ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह में जो ड्यूटी करना पड़ रहा है तो थोड़ा एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है ना, इसलिए शाम से ही ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। तो अभी शाम में कुछ चाय पकौड़ा हो जाए, क्योंकि मौसम भी वैसे ही है। तो चलिए फिर क्या करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से और कल सुबह भी मुलाकात करेंगे आप लोगों से। तो आप लोग आते हैं, मेरे ब्लॉग को देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप लोग थोड़ा पसंद कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा फैमिली मेंबर एक बढ़ेगा। और वहाँ एक घंटी है, उसको भी आप लोग ट्रिंग ट्रिंग कर दीजिएगा। तो फिर चलिए देखते हैं कि आज के शाम के नाश्ते में मैं क्या बनाती हूँ और इस बारिश का चाय के साथ आनंद लेते हैं। साइक्लोन है और साइक्लोन में बारिश हो रही है, तो भाई उसमें तो कुछ तला भुना खाना बनता है, तो उसी की तैयारी चल रहा है ना। मैं बेसन में आलू कद्दूकस करके मिलाऊंगी और बनाऊंगी। तो चलिए फिर मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात करती हूँ। इस पे मैंने बेसन दिया, नमक अपने स्वाद के अनुसार, मिर्चा हरी मिर्च दे दी है। बिना हल्दी का तो भाई कोई भी सब्जी बनता नहीं, हल्दी तो होना ही होना है ना। और मैं कुछ नहीं दूंगी इसमें, और उसमें भी प्याज में भी बेसन, नमक स्वाद के अनुसार और हल्दी। तो फिर मैं पूरा मिला लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। क्या बोला, किस चीज का भुजिया है पता है? आलू और मतलब पटल, पटल जिसको कि कभी नहीं खाता है तुम। कैसे नहीं खाते हैं, अगर भुजिया बनाएंगे तो भूल के खाते हैं। अब चुप हो जाओ, मजेदार बात। किन किन के साथ ऐसा होता है आप लोग ही बताइएगा जरूर। पूरी तैयारी हो गई, उसके बाद जब मैं अभी तलने के लिए आई तब मुझे पता चला कि रिफाइन है ही नहीं। मैं सरसों के तेल में तल रही हूँ, पहली बार तल रही हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा। हालांकि सब्जी तो हम लोग खाते ही हैं, पर मैं भी अच्छा ही लगे। तो सरसों के तेल में मैं पकौड़ी और प्याजी तलूंगी, इसी वजह से रिफाइन जल्दी खत्म हुआ, क्योंकि बीच में पराठा वगैरह ज्यादा बना था, जैसे दाल भरी पराठा, आलू भरी पराठा। इस तरीके से मैं पीछे दरवाजे के पीछे कुंडी में कपड़ा एक हाथ पोछने के लिए लगा के रखती हूँ। कभी मैं टूर कराऊंगी अपना किचन का, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है ना। फिर मैं पूरे पकौड़ी तल लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मुलाकात करती हूँ चाय के साथ। पकौड़ी जब डालें तो थोड़ा ताव रहे, तेल गर्म होना चाहिए, लेकिन फिर उसको कम करके स्लिम में बनाना चाहिए ताकि वो अंदर तक पके और बाहर एक क्रंचीनेस बना रहे। कोई बात नहीं, साहब आ गए हमको मदद करने के लिए। पकौड़ा कंप्लीट, चाय चढ़ा रहे हैं, क्या बना रहे हैं? शाम हो गया है, नाश्ता बन गया है, तो अब मौसम भी वैसे ही सुहाना हो गया है, तो थोड़ा गरम गरम चाय मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, इसीलिए चाय थोड़ा चढ़ा है।
असली रूप में आए हैं ना। एक बात और मैं बता दूं, सब मैं जरूर कर देती हूँ, चाय शाम का चाय साहब के नाम पे होता है। वही पिलाते हमको चाय। ये पकौड़ी और ये प्याजी आप लोगों के लिए, और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है। कहने का मतलब थोड़ा चाट मसाला दे देंगे ना ऊपर से। हाँ, अभी खाने के पहले थोड़ा चाट मसाला दे देंगे, और जिसको जो लेना है, जो जिसको सॉस से खाना है वो सॉस से खाएंगे, और जिसको चिंग्स से खाना है वो चिंग्स चटनी से खाएंगे। और उधर कप जो है वो चाय का इंतजार में है ना। ये कप को भी मैं दिखला दूं, अल्लादीन का चिराग है। कल चाय पकौड़े के बाद मैंने और कुछ शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन एक छोटी क्लिप है, चूँकि मैंने एक दिन तकिया खोली को सीते हुए दिखलाया था और उन्हें धोया था और ठीक साइक्लोन आ गया था। तो किन किन के यहाँ ऐसे बारिश में कपड़े घर के अंदर सुखाए जाते हैं, आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा, ज़रूर मैं उसका एक छोटा क्लिप डाल दूँगी। और आज सुबह भी मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, तो दोपहर में खाने के बाद मैं जब बालकनी में बैठी तो अपने पौधों को किस तरीके से मैंने ज़रूरत के अनुसार काम किया उसे मैं दिखलाई हूँ, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और थोड़ा धूप और छांव, मतलब अचानक से बारिश हो रही थी, तो उसका भी एक छोटा क्लिप है, उसे देखिएगा आप लोग ज़रूर। दोपहर का खाना खाने के बाद यूं ही मैं बैठी हुई थी, तो ये काफ़ी ऊंचा ऊंचा था, मुझे लगा इसे थोड़ा काट देना चाहिए ताकि हवा पानी आने से वो टूटे नहीं, नहीं तो यहाँ से टूट जाता था। इसमें से स्पाइक निकलेगा और फूल निकलेगा, जब खिलेगा तब मैं दिखलाऊंगी। और एक चीज़ देखिए, बटरफ्लाई दिखाई पड़ रहा है, तीन चार बटरफ्लाई होते तो कितने अच्छे लगते हैं, नज़र आ रहा है ना। देखिए धूप है ऐसे, लेकिन बारिश हो रही है, आसमान नीले रंग का इतना अच्छा लग रहा है, और पक्षी अपने बसेरे में दो पहुंचने के लिए बेचैन है। धूप नज़र आ रहा है, बस बारिश खत्म होगी। देखिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं एक नज़र अपने बगान की सैर जरा करा दूं। जब तक आप लोगों को बगान की सैर ना करवाऊं मैं, मुझे भी चैन नहीं आता है, है ना। बस इतनी ही बारिश थी, देखिए धूप कैसा है कड़ाके की। किसके किसके घर में ऐसा टंगा हुआ रहता है, मेरे पास स्टैंड नहीं है, बारिश हो रही है, क्या करें। उधर आम भी नज़र आ रहा है, है ना। यहाँ जो खिड़की है, दिख रहा है नाम का पेड़, यहाँ सटा हुआ है, यहीं से लिए हैं ये सब। तो वही तकिया खोल है जिसे हमने कल सिलाई किया था और धोए थे, मौसम खराब की वजह से इस तरह से हमें लटकाना पड़ा, अब जाते हैं इसको समेटना है। आज दूध लाने की पारी मेरी थी, पारी नहीं बच्चे, कौन सा गेम, पबजी व्यस्त हैं, तो दूध लाने आज मैं गई, और दूध लेकर के आने के बाद मैं इस वीडियो का अंत कर रही हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो को पसंद कर रहे हैं,
तो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोग देखते हैं तो मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें, और जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं वे इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा जो फैमिली है वो बड़ा हो जाए। मैं पुनः आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू करती हूँ। बाय बाय।